हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट। माय नेम इज हिमांशु शर्मा और डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज पर, जिस पर हम पीपीबी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर हमारे इस सेशन में। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4, जिसमें हम ओपनिंग अकाउंट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ द कस्टमर, इट मीन्स डिफरेंट टाइप के जो कस्टमर्स होते हैं वो जब अपने बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो उन्हें किस तरीके की डॉक्यूमेंटेशन या किस तरीके की चीजें या उनका जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स होता है वो क्या होता है, इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। सेशन स्टार्ट करें उसके पहले एक दो चीजें और मैं आपको बता देता हूँ। इसके पहले जो हमारा यूट्यूब सेशन पर 8:30 पे जो डेली बेसिस पर मेरा सेशन चल रहा है उसमें मैंने आपको काफी सारे टाइप्स के अकाउंट लाइक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, लाइक ब्लाइंड पर्सन और इलिटरेट पर्सन के जो अकाउंट हैं ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दी है, आप वहां से इनको देख लीजिएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सेशन स्टार्ट करें उसके पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इस मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इस मोबाइल ऐप पर आपको मिल जाएगा हमारा ई नोट्स, फ्री कॉन्टेंट मिलता रहेगा। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ www.oliveboard.in इस वेबसाइट पर जाकर के आप विजिट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो बैंकर्स होता है ना वो डील करता है बहुत सारे अलग अलग कस्टमर्स के साथ में, जैसे कि जैसे इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह वगैरह। तो जब इनके अकाउंट ओपन करना होते हैं या कंडक्ट करना होता है अकाउंट इन लोगों के, तो बैंक को क्या करना पड़ता है, कुछ कंप्लाई, कुछ फॉलो करने पड़ते हैं रूल्स और रेगुलेशन जो कि एप्लीकेबल होते हैं हर एक के लिए। सो कुछ सर्टेन पर्टिकुलर एस्पेक्ट बनाया गया है अलग अलग अकाउंट्स को ओपन करने के लिए, जो अलग अलग टाइप के कस्टमर्स होते हैं जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, जब हम अकाउंट ओपन करेंगे बैंक में और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो भरा जाएगा वो अलग अलग कस्टमर के हिसाब से अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को लेकर के चलेगा। मतलब अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में अलग अलग कस्टमर क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के फॉर्म उनसे भराए जाएंगे और अलग अलग टाइप का डॉक्यूमेंट उनसे लिया जाएगा। तो जब ये फॉर्म होगा, हर एक बैंक का अलग फॉर्म हो सकता है, उनका जो कंटेंट होगा वो एसेंशियली सिमिलर होगा, कवरिंग एसेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब अगर अपन बात करें कि फॉर्म का पैटर्न अलग हो सकता है बट वो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे ना वो सिमिलर ही होती है। लाइक उसमें क्या होगा, उसमें होता है आपका इंफॉर्मेशन अकाउंट होल्डर्स की कि भाई अगर सिंगल है तो ठीक है, नॉमिनी कौन होगा, इंस्ट्रक्शंस ऑपरेशंस क्या होंगे अकाउंट के, और कुछ डिक्लेरेशन होते हैं बाय द अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर के द्वारा कुछ डिक्लेरेशन उस अकाउंट में होंगे। इट इज एन इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर, कस्टमर और बैंक के बीच का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जो रिलेटेड अकाउंट। तो अपन ने जब यहाँ पर बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप भी पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था कि बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, अकाउंट ओपनिंग के साथ वो स्टार्ट होता है। साथ ही साथ KYC, नो योर कस्टमर रेगुलेशंस को भी हमें फॉलो करना होता है, उनके जो अकाउंट्स होते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो होते हैं उसमें हमें इंफॉर्मेशन लेनी होती है और वो इंफॉर्मेशन ऑप्टेन करते हैं हम किसके हिसाब से, KYC CR, KYC इज द नो योर कस्टमर सेंट्रल रजिस्ट्री, ये इसके हिसाब से प्रिस्क्राइब किया गया कि क्या क्या हमें इंडिविजुअल्स के डॉक्यूमेंट लेने होंगे और क्या क्या हमें नॉन इंडिविजुअल्स या एंटिटीज के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओपनिंग एंड अकाउंट। चलिए अब अपन सबसे पहले बात करें पर्सनल अकाउंट की। इसे हम व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। अकाउंट अगर ओपन करना है किसी सिंगल इंडिविजुअल को, दो या दो से अधिक इंडिविजुअल्स को जॉइंटली, तो इंडिविजुअल को मेजर होना पड़ेगा, मतलब उसकी एज 18 प्लस होनी चाहिए और साउंड ऑफ माइंड एंड शुड नॉट बी अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय द लॉ। मतलब ऐसा पर्सन होना चाहिए जो 18 वर्ष से अधिक उम्र जिसकी हो, दिमागी तौर पर सही हो और वो किसी भी तरीके से इंसॉल्वेंट या डिस्क्वालिफाइड नहीं हो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। अगर हम बात करें ज्वाइंट अकाउंट होल्डर की, तो चलिए ज्वाइंट अकाउंट होल्डर का केस क्या होता है। ज्वाइंट अकाउंट की बात करें तो वो अकाउंट ओपन करते हैं इन द नेम्स ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल। ज्वाइंट अकाउंट का मतलब होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जब अकाउंट ओपन कराया जाएगा उसको हम बोलेंगे ज्वाइंट अकाउंट। क्या बोलेंगे उसको हम,
उसे बोला जाएगा ज्वाइंट अकाउंट, राइट। ये अकाउंट तब खोले जाते हैं जब फंड दो या दो से अधिक पर्सन या एक से अधिक पर्सन के बीच में होता है और उसे वो ट्रांजेक्ट करना चाहते हैं ज्वाइंटली, राइट। और दो द फंड्स आर अर्न्ड बाय दी वन पर्सन बट फॉर कन्वीनियंट एक्सेस टू द अनदर पर्सन, मतलब हो सकता है कि वो पैसा या जो फंड्स है वो कमाए एक पर्सन ने पर उसको एक्सेस करना है किसी दूसरे पर्सन के लिए, तो उसके लिए हम ज्वाइंट अकाउंट ऑपरेशंस प्रोवाइड कराते हैं थ्रू द बैंक्स। और टू प्रोवाइड इजी एक्सेस टू द फंड्स इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन ओनिंग द फंड, और आसानी से हम एक्सेस कर पाए उन फंड्स को जब कभी उस पर्सन की हम बात करें जिस पर्सन के फंड्स हैं उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में भी हमें क्या करना पड़ता है, उस केस में भी हमें उसके अकाउंट को ऑपरेट इजीली किया जा सके, उसके लिए हम ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स ज्वाइंट अकाउंट को ओपन करते हैं, राइट। चलिए आगे चलें। डिपेंडिंग की बात करें मतलब ये डिपेंड करेगा कि क्या उनकी जरूरत है और क्या कंडीशन क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से उसमें ऑपरेशनल मॉडलिटीज ऑप्ट की जाएंगी कस्टमर के द्वारा। मतलब वहां पर एक ऑप्शन होता है ईदर और सर्वाइवर और ऑपरेशन बाय द बूथ और इस तरीके के वहां पर क्या होते हैं बहुत सारे ज्वाइंट ऑपरेशंस होते हैं अकाउंट में। तो पर्टिकुलर अलग अलग जो ज्वाइंट अकाउंट की जब बात आएगी वहां मैं आपको उसको अलग से बताऊंगा कि क्या क्या ऑपरेशन एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। सो अलग अलग ऑपरेशनल जरूरत के हिसाब से वो कस्टमर वहां पर मॉडलिटीज को अडॉप्ट करता है। जब ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया जाता है तो रिलेशनशिप अमंग द ज्वाइंट होल्डर्स एंड द पर्पज ऑफ हैविंग ज्वाइंट अकाउंट शुड बी असर्टेन, मतलब वहां पर आप ज्वाइंट अकाउंट जो लोग मिलकर के खोल रहे हैं उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है और ज्वाइंट अकाउंट खोलने का उद्देश्य क्या है ये वहां पर जानना होता है। अब हम बात करें अकाउंट फॉर द इलिटरेट पर्सन। इलिटरेट पर्सन का मतलब होता है अशिक्षित व्यक्ति। अशिक्षित व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो रूल्स रिलेटिंग टू द अकाउंट जो लोग यहां पर हम बात करते हैं एक्सप्लेन किया गया इलिटरेट पर्सन के लिए कि जो भी आपके बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन होगी वो उस व्यक्ति को इलिटरेट व्यक्ति को उसकी जानने वाली भाषा में आपको समझाना पड़ेगा। साथ ही साथ जब भी वो अपने अकाउंट से विड्रॉल करेंगे पैसा तो उस टाइम पर भी पर्सनली उन्हें बैंक में आना पड़ेगा पासबुक लेकर के, मतलब वो किसी और के थ्रू ट्रांजेक्शन नहीं करा पाएंगे। अगर हम बात करें करंट अकाउंट की तो करंट अकाउंट नहीं ओपन कराया जा सकता इलिटरेट पर्सन के नाम पर और ना ही उनको चेकबुक प्रोवाइड की जाएगी, राइट, किसी भी सरकमस्टेंसेस में चाहे वो ज्वाइंट अकाउंट ही क्यों ना हो। लेफ्ट थंब इंप्रेशन लिया जाएगा अकाउंट होल्डर का और जब अकाउंट ओपन करेंगे एक ऑथराइज पर्सन होगा बैंक का ऑफिसर और एक पर्सन जो कि वेल नोन होगा बैंक के द्वारा और वो उसके थंब इंप्रेशन को अटेस्ट करेगा। पासपोर्ट साइज दो फोटो ली जाएंगे, एक फोटो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर एक पासबुक पर चिपकाई जाएगी। जब भी ये विड्रॉ करेंगे उन्हें ओरली बोल करके हमें बताएंगे कि आप अपने अकाउंट से इतना पैसा निकालना चाह रहे हैं। यदि इलिटरेट डिपॉजिटर इंटेंट अगर वो अलाउ करता है किसी लिटरेट पर्सन को कि वो उसका अकाउंट ऑपरेट करे उसके लिए उसे सबमिट करना पड़ता है एक ऑथराइजेशन या इंडेमनिटी लेटर जो कि प्रिस्क्राइब जैसा मांगा गया उस फॉर्मेट में होना चाहिए विद द कंडीशन दैट इट कैन बी ऑपरेटेड ओनली जॉइंटली बाय बोथ। मतलब यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये कभी भी ऐसा नहीं होता है कि इसमें ईदर और सर्वाइवर वाला ऑप्शन आया, नहीं, इसे जॉइंटली बोथ वाले ऑप्शन के साथ चलेगा, राइट। अब हम बात करें उन अकाउंट होल्डर्स की जिन जो कि उधार करता है, बोरोअर्स हैं जिनका कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जिन्होंने ले रखी है। बोरोअर्स जिनका एक्सपोजर बैंकिंग सिस्टम में लेस देन 5 करोड़ है उनके लिए कोई भी यहाँ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है ऑन ओपनिंग करंट अकाउंट। वो अपना करंट अकाउंट प्रोवाइड करेंगे ओडी फैसिलिटीज के साथ में, सॉरी कैश क्रेडिट करंट अकाउंट और सीसीओडी फैसिलिटीज के साथ में, और साथ ही साथ वो यहाँ पर अंडरटेक करेंगे और इन्फॉर्म करेंगे बैंक को एज एंड वैन द क्रेडिट फैसिलिटीज अवेल्ड बाय देम फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम रीचेज ₹5 करोड़ और मोर। जब 5 करोड़ या उससे ज्यादा पहुंच जाएगी तब वो बैंक उनका ज्यादा ध्यान रखेगा। अब एक्सपोजर जिनका बैंकिंग सिस्टम में 5 करोड़ और ज्यादा है तो ऐसे जो बोरोअर जो मेंटेन करते हैं करंट अकाउंट किसी भी एक बैंक में
और उनका कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के साथ में, तो उनको कम से कम बैंक हैज एटलीस्ट 10% ऑफ द एक्सपोजर बैंकिंग सिस्टम में रखना पड़ता है उन बोरोअर का, राइट। फर्दर इसके आगे अगर अपन बात करें, लैंडिंग बैंक जो होंगे, जो उधारकर्ता बैंक होंगे, जो उधार देने वाले बैंक होंगे, वो ओपन करेंगे सिर्फ कलेक्शन अकाउंट जो कि कुछ इंडिविजुअल कंडीशन के आधार पर होगा, जहां पर फंड्स को डिपॉजिट करेंगे। कलेक्शन अकाउंट को हम रेमिट करेंगे 2 वर्किंग डेज में ऑफ रिसीविंग सच फंड्स टू द कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट अकाउंट विच मेंटेन्स द करंट अकाउंट फॉर द बोरोअर। जो अकाउंट होगा वो किसके लिए होगा? बोरोअर्स के लिए होगा। और साथ ही साथ कोई भी लैंडर यहाँ पर कम से कम 10% ऑफ द एक्सपोजर रखेगा, किसके लिए? बैंकिंग सिस्टम में, यदि बैंक हैविंग हाईएस्ट एक्सपोजर में ओपन अ करंट अकाउंट। सो नॉन लैंडिंग बैंक जो होंगे उनको परमिट नहीं होता है कि वो ओपन करे करंट अकाउंट फॉर सच बोरोअर्स। नॉन लैंडिंग का मतलब है जो बैंक उधार नहीं देते हैं। चलिए इसी के साथ हम सेशन को एंड करेंगे। बिफोर एंडिंग द सेशन, दिस इज द फैकल्टी टीम फैकल्टीज ऑफ JIB। इसके अलावा हम बात करें, आप यूज कीजिएगा कोड हिमांशु अगर हमारे किसी भी बैच में आपको एनरोल करना है। मैं आपको बताता हूँ फैसिलिटीज हमारे डिफरेंट बैचेस की। आपको जाना है गूगल पर और वहां पर oliveboard.in सर्च करना है। जैसे ही आप oliveboard.in सर्च करेंगे तो आपको ये सारे बैचेस दिखेंगे। अब मान लीजिए आप जाना चाहते हैं लक्ष्य बैच में, भी रिसेंटली 16th of July से लॉन्च होने जा रहा है। अब इसमें आप जाएंगे, इसकी आप चाहो तो ऐसे फैसिलिटीज देख लीजिए। 220 क्लास मिलेगी, 200+ ई बुक्स मिल जाएंगी, सारे क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट मिलेगा, वैलिडिटी होगी 6 मंथ्स की। अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे आज के आज तो 3499 इसका प्राइस है। आप यहां पर हैव अ कूपन कोड पर क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे कोड हिमांशु, तो ये जो कोर्स था 3499 का, ये मिलेगा आपको 2624 में। इसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है जिसको मैं बोलता हूँ JIB सुपर एलिट। सुपर एलिट एक तरीके का सब्सक्रिप्शन है। इस सब्सक्रिप्शन में जितनी भी बैचेस, सेलेक्शन बैच, उसके बाद में लक्ष्य बैच, क्रैकर बैच, या जितनी भी बैचेस हमारे JIB के लिए आएंगे ना, उन सभी का आपको यहाँ पर एक्सेस मिल जाएगा। टेस्ट मिलेंगे आपको, और आप जिस भी क्लास में देखना चाहो, मतलब जितनी भी हमारे बैचेस लॉन्च होंगे उसमें जिस भी बैच की जो भी क्लास आप लाइव देखना चाहो, या फिर आप चाहो उनको रिकॉर्डेड देखना, आप वहां पर देख पाएंगे। तो आप इस बैच में भी एनरोल कर सकते हैं 6 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए बाई यूजिंग कोड हिमांशु। और जैसे ही आप इसको रिडीम करोगे, देखो 3749 में आपको ये बैच मिल जाएगा। अभी कुछ टाइम तक हमारे सभी कोर्सेज पर ऑफर चल रहा था, ऑफर खत्म हुआ है, प्राइस इंक्रीज हुए हैं और आगे चल के भी प्राइस इंक्रीज होंगे। तो जल्दी से जाइए और एनरोल कर लीजिए हमारे डिफरेंट कोर्सेज में। ये JIB CIB मेगा क्रैकर बैच है। इस बैच में आपको क्या मिलेगा? JIB सुपर एलिट और CIB सुपर एलिट दोनों का यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। आप जाइए और 12 मंथ्स वैलिडिटी के साथ में इस बैच में यूज कीजिए कोड हिमांशु, रिडीम करके आप अपने आप को यहाँ एनरोल कर लीजिए। ये कोर्स आपको मात्र 7499 में मिल जाएगा, जिसका प्राइस 9999 रुपीज है। अगर आपने अभी तक हमारे किसी भी बैच में एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और एनरोल कीजिए हमारे डिफरेंट बैचेस में बाय यूजिंग कोड हिमांशु, राइट। और ऐसे ही कुछ सेशंस के साथ मैं आप लोगों से मिलता रहूंगा अलग अलग सेशंस में। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।